कुठौन बोनस पाकर किसानों के चेहरों पर आई खुशी की लहर। जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। दिनांक 27/12/2022 को कुठौन के ग्राम जखा में डेयरी के संचालक रणबीर सिंह चौहान के द्वारा नववर्ष के उपलक्ष्य में बोनस डेयरी के द्वारा दी जाने वाली वार्षिक बोनस का वितरण किया गया, जिसमें किसानों को बाल्टी, कंबल, मिठाई, कैलेंडर आदि वितरित किए गए, जिससे किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर आ गई। बोनस वितरण के कार्यक्रम में बनास डेयरी अमूल यूनिट कुठौन के मैनेजर ललित मिश्रा ने किसानों को बताया कि 1946 में जब से बनास डेयरी अमूल की शुरुआत हुई, तब से लेकर आज तक बनास डेयरी ही किसानों का सच्चा साथी है, जो किसानों के साथ हर परिस्थिति में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, जिसने हमेशा से ही किसानों की आय में वृद्धि के लिए उचित कदम उठाए हैं। इस समय बनास डेयरी यूनिट कुठौन में 230 समितियां चल रही हैं, जिसमें सभी समितियों के पशुपालकों को बोनस के रूप में 3,35,00,000 रूपये वितरण बोनस के रूप में होना है। इसी कार्यक्रम में सुपरवाइजर अनुरुद्ध सिंह ने किसानों को बताया कि जहां एक और प्राइवेट डेयरिया व दूधियों के द्वारा किसानों का शोषण होता था, वहीं जब से बनास डेयरी ने जनपद जालौन में काम करना शुरू किया, तब से किसानों के पशुपालन से होने वाली आय को दोगुना किया गया। इस कार्यक्रम में मैनेजर ललित मिश्रा, सुपरवाइजर अनुरुद्ध सिंह, सुपरवाइजर वीरेंद्र गुप्ता, गुड्डू कुमार व सैकड़ों पशुपालक उपस्थित रहे। जालौन मेट्रो के लिए कुरौली से सौरभ पांडे की रिपोर्ट। अच्छा सर जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम ललित मिश्रा है और कुठौन बनास डेयरी में मैं मिल्क प्रोक्योरमेंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूं। अच्छा, आज ये जो जखा में मीटिंग रखी गई है, इसका क्या प्रारूप है और किस उद्देश्य से ये मीटिंग रखी गई है? बनास डेयरी द्वारा सत्र 2020 और 21 का बोनस वितरण कार्यक्रम इस समय चल रहा है। उस कार्यक्रम के क्रम में आज जखा दुग्ध उत्पादक एसोसिएशन में हमने समिति प्रॉफिट से समस्त दुग्ध उत्पादकों को बाल्टी और प्रोत्साहन स्वरूप सम्मान किया। साथ ही साथ बनास डेयरी द्वारा कुठौन प्लांट से संचालित लगभग 250 गांवों में 3.5 करोड़ रुपए किसानों के खातों में जाना प्रस्तावित है। सारी लिस्टों की तैयारी पूरी हो चुकी है और जल्द ही से जल्द अब हम किसानों को उनके खाते में बोनस प्रदान करने वाले हैं। तो आपके इस ये जो आपका ये जो बोनस का ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इस में किसानों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? इससे किसानों को बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, इससे उनकी जीवन शैली में बहुत परिवर्तन आए हैं। जब से बनास डेयरी ने कुठौन क्षेत्र में काम करना शुरू किया है, दूध के मूल्य बहुत अच्छे हो गए हैं और किसान अपना पशुपालन और कृषि से अपनी आजीविका में बहुत अच्छा योगदान ले रहा है। लगभग हमसे जुड़े हुए 22,000 किसानों को ये 3.5 करोड़ रुपए राशि वितरित की जाएगी। निश्चित ही एक गांव में औसतन 5-6 लाख रुपए जब वितरित होते हैं तो उसका किसानों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। पशुपालन अच्छा हो गया है, सभी अच्छे से अपने समितियों से जुड़ रहे हैं और पशुपालन करके उन्नति कर रहे हैं। आप प्रेस के माध्यम से आप किसानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं आप सभी लोगों के माध्यम से किसानों को संदेश देना चाहता हूं कि आप प्राइवेट और आपके शोषण करने वाले ठेकेदारों से बचें। आसपास जहां भी आपको अमूल बनास डेयरी द्वारा संचालित कोई समिति मिलती है, आप उससे जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएँ और उचित मापदंडों जैसे कि अच्छे दूध के वजन का, अच्छे फैट मानकों का आप लाभ उठाएं और ज्यादा से ज्यादा अपनी जीविका उपार्जन में योगदान देते रहें। धन्यवाद। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।